जम्मू कश्मीर के जम्मू में बड़ी संख्या में विस्थापित कश्मीरी सोमवार को वोट नहीं डाल पाए। उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे। चौथे दौर की वोटिंग सोमवार को थी। मेरा ऑलरेडी कार्ड इशू हो गया है, इलेक्शन कार्ड इशू हो गया है, बट दे आर रिफ्यूजिंग क्योंकि नाम मेरा ये लिस्ट में नहीं है। तो इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि जिसके पास इलेक्ट्रोल कार्ड हो वो अपने साथ आधार कार्ड भी लाए, ही कैन कास्ट हिज वोट। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि आपका लिस्ट में नाम ही नहीं है। ऐसे बंदे इधर बहुत हैं, आधे वापस भी गए। मैं आज वोट डालने आया था, इससे पहले मैंने ऑलरेडी अपने जोन में सारा एंटर करवा के इस चुनौर जो यहाँ पर इलेक्शन यहाँ पर हो रहा है इसके लिए नाम लिखवाया था, लेकिन जब यहाँ पर चेक कर रहे हैं, दो जगह चेक करवाया, कोई नाम नहीं है, कहीं कोई नंबर नहीं है। तो अब हमें बोल रहे हैं, एक घंटे से बोल रहे हैं एआरओ आएगा, एआरओ आएगा, लेकिन वो कब आएगा? इसका मतलब थोड़ी कि मैं सुबह से शाम तक इधर खड़ा रहूं वोट डालने के लिए इस गर्मी में। विस्थापित कश्मीरियों के पास वोटर आईडी कार्ड थे और उन्होंने कई फॉर्म भी भरे थे, इसके बावजूद उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं थे। कश्मीरी पंडित वोट अपना डालना चाहते हैं, लेकिन बाद में सरकार बताती है इन्होंने वोट नहीं डाले हैं। उसका कारण है, इस साल भी बहुत सारे लोगों के वोट नहीं आए हैं, जबकि हर एक वोटर ने अपना इपिक नंबर दिया है, अपना फार्म एम फार्म के अलावा इन्होंने दूसरा फार्म निकाला था जो हर एक वोटर ने भरा है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के लिए, लेकिन बदकिस्मती है इस साल भी सारे वोट कश्मीरी पंडितों के नहीं आए हैं। अधिकारियों ने इसकी वजह बताई कि सूची पुराने डेटा के आधार पर तैयार की गई थी। उन्होंने कहा कि चुनाव कर्मचारियों को ऐसे वोटरों को वोट देने की इजाजत देने के निर्देश दिए गए थे। श्रीनगर लोकसभा सीट पर करीब 52,100 विस्थापित कश्मीरी वोटर हैं। यहाँ पर नाम नहीं है, एक घंटे से बोल रहे हैं कि एआरओ आएगा।